वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना। दोस्तों, अगर आपने आज रोहित शर्मा का जबरदस्त खेल नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। अब अगर नहीं देखा तो हम किस काम आएंगे, हम आपको बताएंगे। अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आंखों देखा खेल, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। गाइस, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच चेन्नई में आज खेला गया। आज के खेल में जिसमें कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल को मौका दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से सही किया, और अपने वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज नदीम और बुमराह भैया को बाहर किया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो आराम दिया गया। अब जब भारत की टीम ने बदलाव किए हैं तो भैया इंग्लैंड की टीम पीछे थोड़ी हटती। इंग्लैंड ने भी चार बदलाव कर डाले। इंग्लैंड की तरफ से बटलर की जगह फोक्स खेल रहे हैं और जेम्स की जगह स्टुअर्ट, जोफ्रा आर्चर की जगह ओली खेल रहे हैं और डॉम बेस की जगह मोइन अली ने ले ली। भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, और गेंदबाजी की शुरुआत स्टुअर्ट ने की। पहला ओवर में मेडन रहा और दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए ओली को लगाया गया इंग्लैंड ने, और उन्होंने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर LBW आउट कर दिया गिल को। इसके साथ लगा भारत को पहला झटका। उसके बाद पुजारा आए और रोहित शर्मा के साथ बढ़िया साझेदारी की। इस साझेदारी में रोहित शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी की और 49 बॉलों में 50 रन पूरे कर डाले। पुजारा अपना स्वाभाविक गेम खेलते रहे और रोहित के साथ 85 रन की साझेदारी की। इसके बाद पुजारा जैक लीच की गेंद पर बेन स्टॉक को कैच दे बैठे और 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली आए और 5 गेंद खेलने के बाद ही मोइन अली की गेंद पर बोल्ड हो गए कवर ड्राइव लगाने के चक्कर में, और भारत को लगातार 2 झटके लग गए। लेकिन रोहित शर्मा धमाकेदार बल्लेबाजी करते रहे और लंच तक 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर 26 ओवर तक खेलते रहे, और रोहित शर्मा इस पारी में 13 चौके और 1 छक्के के साथ 81 रन बना चुके थे और क्रीज पर टिके हुए थे। लंच तक भारत का स्कोर 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। लंच के बाद रहाणे और रोहित बल्लेबाजी करने आए तो पूरी कमर कस के आए और शुरुआती ओवरों में डटकर बल्लेबाजी की, अंग्रेजी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। इसी बीच रोहित ने 130 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। दोनों ने दूसरे सत्र में इंग्लैंड के किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं दिया, बढ़िया बल्लेबाजी की और तीसरे सत्र में फिर से बढ़िया शुरुआत की, और रहाणे ने 104 गेंद में अपना 50वां रन पूरा किया और टीम का स्कोर 200 के पार लेके गए। 67 ओवर में रोहित ने 1 रन लेकर अपने 150 रन पूरे कर डाले और टीम का स्कोर बढ़ाया। जब टीम का स्कोर 248 रन हो चुका था तब रोहित शर्मा जैक लीच की गेंद पर मोइन अली को कैच दे बैठे और 161 रन बनाकर आउट हो गए। रहाणे और रोहित के बीच 162 रन की मजबूत साझेदारी हुई। फिर रहाणे का साथ देने ऋषभ पंत आए और रहाणे भी 75वें ओवर में मोइन अली की गेंद पर बोल्ड हो गए। रहाणे ने 67 रन बनाए थे 9 चौकों की हेल्प से। 80 ओवर तक इंडिया का स्कोर 272/5 विकेट हो गया था। रहाणे के आउट होने के बाद अश्विन बल्लेबाजी के लिए आए और ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 13 रन बनाकर जो रूट का शिकार हो गए। इसके बाद भारत को एक के बाद एक झटके लगते रहे और 83 ओवर तक भारत 284 रन 6 विकेट पर बना चुका था, और दिन खत्म होने तक भारत ने 300 रन बना लिए थे 6 विकेट के नुकसान पर। क्रीज पर ऋषभ पंत मौजूद हैं अभी 33 रन बनाकर, और उनका साथ अक्षर पटेल दे रहे हैं 5 रन बनाकर। तो आज का दिन खत्म होने तक भारत ने 88 ओवरों की बल्लेबाजी की और 6 विकेट गंवाए। आगे से कल का मैच ऋषभ पंत और अक्षर पटेल संभालेंगे। हम कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ। अगर आप रोहित शर्मा के फैन हैं तो जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज स्टे कनेक्टेड।